नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता, श्याम गैलरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको मैं कैसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप जो अपना फोन है जो सीक्रेटली है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आप उसके बराबर आप कैप्चर कर सकते हैं। इससे आगे इसका यूजेस ये है कि अगर आपको आप इसे अपने कोई फ्रेंड को अगर अपना फोन दिए होंगे यूज करने को, तो दोस्तों आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और तो आप एक ये एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप परफेक्टली इसको मॉनिटर कर पाएंगे एप्लीकेशन के द्वारा। और ये एप्लीकेशन से उसको पता नहीं चलेगा अगर कि आप जो अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स दिए हैं कि उसे पता ना चले, अलग अलग फीचर है, आप चाहे तो उसे एनेबल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे सब पूरा फीचर बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल दे दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन में पूरी तरीके से क्या है और आपको आप इसे जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो इस एप्लीकेशन का पूरा ट्यूटोरियल मैं दे देता हूँ आगे। तो दोस्तों आप हम देख लेते हैं, हम जो है इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है हिडन स्क्रीन रिकॉर्डर, हिडन स्क्रीन रिकॉर्डर। हम इसका चलिए ट्यूटोरियल देख लेते हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं जिससे हम जो हमारा जो फोन है उससे सीक्रेटली हमारा स्क्रीन जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है हिडन स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके बाद आपको पहला ही आ जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आपके जब ये जैसे ओपन होगा तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप कुछ भी पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग इंटरफेस कुछ यूजर इंटरफेस जो है वो ऐसा होगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको सेटिंग में बता दूं कि क्या क्या है। आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है, आपको फुल HD तक रेजोल्यूशन मिल जाएगा, और फ्रेम रेट आपको मिल जाएगा, बिट रेट मिल जाएगा, आप ऑडियो चाहे तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और या फिर नहीं चाहिए तो आप उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। आपको रिमूव नोटिफिकेशन स्टेटस बार ये सब ऑप्शन मिल जा रहा है। ये जो रिमूव स्टेटस बार का जो ऑप्शन है मैं आपको बाद में बता देता हूँ वो क्या काम आता है। जो रिमूव नोटिफिकेशन आप तो समझ जाते होंगे, और जो आपको इधर ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऐप आइकॉन का, दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो हाइड ऐप आइकॉन का जो ऑप्शन है इसमें आप जो आइकॉन है उसको कॉल करके #007 पे जब आप डायल करके जब कॉल करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ले आ जाएगा, और जो मेनू में से एप्लीकेशन है आप उसे हाइड कर लीजिए। तो आपको फिर जब ओपन करना होगा तो आपको अनहाइड नहीं करना पड़ेगा, आप #007 पे कॉल करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप वीडियोस हाइड वीडियोस आप वो सब भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी गैलरी से वीडियोस हाइड हो जाए तो भी कर सकते हैं, आप शेयर और ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात आता है कि ये जो रिमूव स्टेटस बार क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों होता ये है कि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड के समय यहाँ पे एक सिंबल आ जाता है, मैं आपको थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि वो क्या सिंबल होता है। उससे पता चल जाता है कि आप अपना जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई कास्ट कर रहे हैं उसे कोई दूसरे स्क्रीन पर। तो फिर दोस्तों उससे शक हो सकता है आपको कोई फ्रेंड होगा या फिर जो भी हो जिसके आप सीक्रेटली नजर रखना चाहते होंगे। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसे ऑन कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फेक जो स्टेटस बार है वो बना दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक फेक स्टेटस बार बन गया है, इससे आपको सिर्फ यहाँ पे एक नेटवर्क का सिंबल मिलेगा, आपको जो फोन बैटरी और ये जो आपका टाइम है बस इतना ही दिखेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप ये ऑन करते रहे तो आपको जो ऑप्शन मिलता है जिससे आप पता चल सकता है कि ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है तो वो ऑप्शन में चला जाता है। दोस्तों आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं अगर उसे शक हो सकता है जिसका आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। चलिए मैं इसे ऑफ करके आपको बता देता हूँ कैसा सिंबल आता है। और दोस्तों चलिए हम इसे ऑन करने के लिए हमें करना होगा, और आपको एक बात बता दूं यहाँ पे मोड है, आप यहाँ से मोड्स पढ़ सकते हैं आपको क्या है आपको रेगुलर करना है या जो भी है। मैं यहाँ से डिफॉल्ट चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप ड्यूरेशन चूज कर सकते हैं 10, 20, 30, 40 और 90 मिनट्स तक आपका टाइम मिल जा रहा है। उसको अगर इसका एक प्रो वर्जन भी आता है, अगर आपका प्रो वर्जन खरीदते हैं आपको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाएगा, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए भी इसे मतलब यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे आपको आपको जो वीडियोस होंगे वो दिखेंगे। तो चलिए ये आपका जो ये फोन का जो सिस्टम है सेटिंग वगैरह सब यही है। चलिए हम देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसे रिकॉर्ड। आप यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप ये देख लीजिए जो कास्ट स्क्रीन का होता है। दोस्तों आप ये ध्यान से देख लीजिए, और यही ऑप्शन जो है हर एक फोन में आता है। आप ये देख सकते हैं जो ऑप्शन है मेरे 4G के बाजू में जो ऑप्शन लिखा हुआ ये वाला,
और तो दोस्तों अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो इसे मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। हम जाएंगे सेटिंग्स में, स्टेटस बार, आप इसे कर दीजिए ऑन, आप आ जाइए बैक, अब ये ऑन। आप अब देख सकते हैं, अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो वैसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं, यहाँ आपके ऊपर है। तो दोस्तों मैं फिलहाल के लिए मैं उसे ऑन रख लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे कुछ एड्स आएंगे, अगर आप एड्स नहीं चाहते होंगे तो आप जो प्रो वर्जन है वो खरीद सकते हैं जिसमें आपको एड्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों चलिए हम बैक चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीक्रेटली इसे कैसे मॉनिटर कर सकते हैं आपका जो भी फोन यूज कर रहा होगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, अब मैं कर लेता हूँ स्टार्ट रिकॉर्ड और जो मेरा डिफॉल्ट टाइम है वो है 10 मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं 10 मिनट का जो है मेरा डिफॉल्ट टाइम है। तो दोस्तों चलिए अब मैंने इसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, अब मैं कुछ फटाफट कर लेता हूँ। मैं थोड़ी देर तक, आप अगर 10 मिनट तक नहीं चाहते होंगे, कम टाइम तक चाहते होंगे तो आप 10 मिनट चूज कर लीजिए, आप फिर आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड या किसी को दे दीजिए वो थोड़ा सा यूज कर लेगा, और फिर यूज करने के बाद आप चाहें तो आप जो आके एप्लीकेशन में उसे मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन में आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो चालू है, आपको खाली जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो आपको खाली बैटरी लेवल दिखा देता है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बैटरी लेवल दिखाता है, इसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर ले जाएगा, सेटिंग्स में ले जाएगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो ऑप्शन है ये आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके आता है, बट इससे बिल्कुल भी डाउट नहीं जाता है कि ये कोई स्क्रीन रिकॉर्डर है क्योंकि आपको इसमें ये बैटरी लेवल लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये सेटिंग्स में ले जाता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, और आप यहाँ से कुछ भी, मैं आपको थोड़ा सा कुछ ओपन करके दिखा देता हूँ, और हम अब थोड़ा सा हो गया, आप चाहें तो मैनुअल इसे ऑफ कर सकते हैं, आप चले जाइए सेटिंग में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है इसे हाइड कर लिया था अपने सेटिंग में से। तो दोस्तों आपको जो करना है, आपको आना है अपने डायल पे, आपको इधर आके कॉल करना है #007, आपको यहाँ से कॉल करना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारा डायरेक्टली हमारा वो पेज जो हमारा यूजर इंटरफेस था वहाँ पे ले गया है, और यहाँ से आप पासवर्ड जो भी था आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, और आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और यहाँ से हम देख लीजिए कि हमें हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये ऊपर वाला लेटेस्ट हमारा है, आप यहाँ देख सकते हैं 1.47 सेकेंड्स का है, और 1.47 मिनट्स का है सॉरी, और 55 MB हो गया। आप इसे सेट कर सकते हैं अगर आपको एक्सट्री नहीं चाहिए, बिट रेट वगैरह आप सब सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स में मैंने आपको बता दिया है, तो आप ये देख लीजिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया, और आपको और जो जिसने जिसको आपने फोन दिया होगा उसे बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो कि क्या करता है क्या नहीं करता है दोस्तों, वो सब आप देख सकते हैं। और आप ये जो एप्लीकेशन है आपका ये फ्री वर्जन है, आप चाहे तो प्रो वर्जन खरीद लीजिए जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है। तो दोस्तों आप अगर मैं होप आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और ये जो एप्लीकेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मैं आपको एक बार और आइकॉन दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं मैंने इधर से हाइड करके रखा है इसे, ये देखिए आप इसे मैं डन कर लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं आप इधर से ओपन करेंगे डायरेक्टली इधर आ जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि काफी अच्छा एप्लीकेशन है ये, और आप इसे बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं और आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है ये एप्लीकेशन अगर ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई कीजिए, अगर आप किसी पे मॉनिटर करना चाहते होंगे तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। तो दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आपको देखने हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का जो सिंबल है बेल का जो घंटा है सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको फटाक से आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही है, मैं जल्दी जो दूसरा वीडियो और अच्छा बना के लाऊंगा। मैं ऐसे ही मोस्टली एप्स के ट्यूटोरियल्स करता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्स के, और बाकी भी चीजें आता है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।